अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं से, मोहब्बत से, प्यार से। और जी आज है जुम्मा, फाइनली रमज़ान का हमारा दूसरा जुम्मा। सबको बहुत 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 मुबारक हो, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े से इस घर की हालत को सेट करेंगे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हालत में हो रहा है, जो आपको भी नज़र आ रहा है सामने। आपको किचन भी दिखा देते हैं, डरने की बात नहीं है। ऐसा जब उठता है ना बंदा, तो इस तरह किचन की हालत हो रही होती है। देखें थोड़े बहुत बच्चों के फीडर शीडर हैं, आज थोड़ा सा बच्चों का थर्मोस वगैरह है और लंच बॉक्स वगैरह, ये भी धुल जाएगा, सब काम हो जाएगा। पहले अल्लाह पहले ये बात करते हैं, उसके बाद अपना इधर थोड़ा बहुत हमारा जो ये घर की हालत जो हाल से बेहाल हुई है ना, इसको थोड़ा सा संभालते हैं। पहले हम करते हैं अल्लाह की इबादत, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। संभालते हैं और आज आना है हमें पार्टी में। पार्टी किसे है? मेरी बहन के यहाँ है। वो बिल्कुल सब पहले पहले अपने घर को ना अच्छे से संभालते हैं, फिर सफाई सफाई करने के बाद फिर अच्छा सा खुद भी अपना ये सोगड़ा सोगड़ा सही करके बच्चों को भी अच्छा सा कपड़े छपड़े पहना के तैयार व्यार करके फिर आप मन्नो मुन्नो काका सा बना के फिर हम निकलते हैं अपनी बहन के यहाँ। पहले या फिर जो घर की जो हालत है ना, इसको ज़रा सही करते हैं पहले। चलो जी, यहाँ पे घर आपके सामने है, कैसा फैला फैला सा लग रहा है ना, सारा फैला हुआ है। और घर जब फैला हुआ तो ऐसी घबराहट होती है ना देख के कि बंदा कहाँ ही टक्कर मारे जाकर। और जल्दी जल्दी कपड़े ही प्रेस कर लिए थे और यहाँ पे जोहा के आ गए थे कारी साहब, जो कि जोहा को पढ़ा रहे थे। उसके बाद उनके आ गई थी ट्यूशन वाली टीचर भी, तो जोहा को कारी साहब से पढ़वा के, मदरसा पढ़वा के, ट्यूशन पढ़वा के सारा काम निपटा लिया था। कपड़े प्रेस करके सफाई भी सारी मिनटों में आप ही ने निपटा दी थी। बोलते हैं हम मिनटों, लेकिन लगते नहीं है भाई, मिनटों बहुत टाइम लगता है, और खासकर बच्चों के साथ। और यहाँ पे जोहान का जो है ना, जोहान को जो है ना वोमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। आप लोग उसके लिए करें दुआ, सब ने बहुत अच्छा अच्छा दुआ करनी है। तो उसका नहीं, इसने गद्दे पे ना अपनी वोमिटिंग करती थी, तो उसने मैं गद्दे का कवर उतार के उसको धो के उसको सुखा दिया था। दोबारा से हनी उसको अस्तर चढ़ा के उसको दोबारा से देखें नया जीरो मीटर कर दिया। वैसे मेरे मियाँ भी ना कभी कभी बड़े अच्छे काम कर लेते हैं, इसलिए तो मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। आई लव यू हनी। चले अब आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट सारा काम निपटा के इन बच्चों को भी सबको अब इनको करना है तैयार। उस किचन देखें पूरा मैंने साफ़ कर दिया, पहले कैसा था ना और अब कैसा है। जल्दी जल्दी सफाई भी हो गई, कमरा भी साफ़ हो गया, बस बेड की चादर थोड़ी सही सही नहीं की, क्योंकि जुहान सो रहा था, तो मैंने बड़ी चादर बिल्कुल सही नहीं की। और काफ़ी लोग बोले थे आपकी आपका ना चैनल मिल नहीं रहा है, आपका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मैं कॉमेंट्स में पिन भी कर दूँगी। उस जिस चैनल से मेरा चैनल है ना, उससे मैं मैसेज करूँगी तो आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। आप चाहें तो कॉमेंट्स में जाके क्लिक कर दें, अगर नहीं तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें जाके देख लेना। यार कैसा उजड़ा चमन हो रहा है, सारा बाल बाल कुछ पता नहीं चला हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। आप जाती हूँ फटाफट नहाकर आती हूँ, उसका हुल्ले थोड़ा सही करती हूँ, जो आपको शक्ल दिख रही ना इसको बिल्कुल चेंज करते हैं। और साथ में जो हमारे दो बच्चे हैं ना, एक सो रहा है, एक वहाँ पड़ा है, उन दोनों को भी लेते हैं, उनको भी जरा अच्छे से जरा हालत सही करते हैं। वरना पता क्या होता है, कहते हैं अगर हम अगर थोड़ा सा तैयार हो जाए ना, सच समझ जाए, तो फिर लोग पता है कैसे बातें करते हैं कि अपना तो हुलिया कर लिया, दूसरे बच्चे देखो कैसे यहाँ से दिल बिलाते फिर रहे हैं, गंदे शंदे यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। तो बाबा ये बात नहीं सुननी है, पहले हम को तैयार होते हैं, फिर बच्चों को तैयार करते हैं। दोनों के साथ प्यारे लेके जाती हूँ, दोनों को तैयार करती हूँ, जल्दी 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 से तो तैयार होकर फिर निकलते हैं अपनी बहन के यहाँ और देखते हैं उसने क्या क्या बना के रखा हुआ है, क्योंकि बर्थडे भी है भाई और अफ्तार पार्टी भी है, दो चीज़ें एक साथ है, तो गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। और दो गिफ्ट मेरे पर है पेंडिंग, एक जब मैं थी नहीं यहाँ पे तो मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो उसका गिफ्ट पेंडिंग है, वो बहुत मुझे कहता है मेरा गिफ्ट। एक वो गिफ्ट है, एक छोटी भांजी की बर्थडे तो उसका गिफ्ट है। अब ये दोनों गिफ्ट लेके जाने हैं उनके लिए, पहले अपने आप को सेट करते हैं, अपने आप को जरा खूबसूरत बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, आप लोग भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे जी देखें मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने क्या पहना है थोड़ा गेस करें। जो मैं लेकर आई थी ना डोलमेन से, आप ही ने वही वेस्टर्न ड्रेस पहना है। पता नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। भाई जो आपको अच्छा लगे ना, आपके दिल को अच्छा लगे, आपने वही काम करना चाहिए। लोग तो भाई आपको किसी हाल में जीने देते ही नहीं है। आप खुश हैं तब भी बातें करेंगे, आप परेशान हाल हैं तब भी बातें ही करेंगे। तो बस लोगों को छोड़ो, अपने पर ध्यान दो। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट्स बताइएगा कितना प्यारा लग रहा है। और कोई वाहियाती वाला सूट नहीं है, प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसा है वैसा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सूट है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई फिटिंग, बिल्कुल ज़बरदस्त सूट है, दुपट्टे वाला सूट है, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ऐसा है। काफ़ी लोग जो है वो जेलिसी के मारे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखें कुछ खास नहीं लगाया, सिर्फ लगाया था सन ब्लॉक बस, क्योंकि आजकल सन ब्लॉक लगा रही हूँ, क्योंकि स्किन जो है ना थोड़ी सी जो है ना मेरी रफ सी हो रही है इस वजह से, तो मैंने लगाया था सनब्लॉक। और ये है जी फाइनल लुक, देख लीजिए। मैं हो गई हूँ रेडी, और ये क्या हाल कर दिया है जुहान ने मेरा, ये देख लो और खोल लो बाल,
खोल लो, दिखा लो, टशन दिखा लो, थोड़े से देख लो कि करने में देंगे देंगे टशन, ये बच्चे टशन करने देते एक तो ये पंखे ने सू 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 किया, उसको बंद कर दो। अब आई कि ना आवाज, हाँ तुम नहीं ठीक करने देगा मम्मा को टशन वशन, कुछ फैशन वेशन कुछ नहीं करने दोगे, एक यहाँ से बाल खींच रहा है, वहां से खींच रहा है, पता नहीं मैंने बाल खुल के बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी बाल खुल के, ये मेरा लाडू बडू ये नहीं मुझे खोलने देगा बाल ना। चल भाई ऐसे चलते हैं, उजवा चमन लेके चलते हैं, बस हो गई हूँ मैं रेडी, जुहा को कर दिया रेडी, ये मेरा गड ये जो मेरा गुड्डू है इसको भी रेडी कर दिया, अब जा रहे हैं सिस्टर के यहाँ, और रोजे का भी टाइम होने वाला है, होने वाला क्या हो गया है, 6:10 हो रहे हैं, भागो रे भागो सिस्टर के यहाँ भागो। देखो जी ये देखो इन बेचारे ये देखो बेचारे नई चप्पल खोल ली, हमें देख के फौरन नई चप्पल खोली, हमने चप्पल ली खोली नई, खुद भी खोल ली अभी नई चप्पल है, फौरन से इतनी महंगी महंगी चप्पल है, काला सूट सही टशन की बीवी टशन मारे तो क्लब कितनी प्यारी रही, तो लगेगी क्यों नहीं लगेगी, प्यारी लगेगी प्यारे प्यारे पैर शुरू हो गए। ओ जी अफ्तारी आई, किसके यहाँ से आई है भाई अफ्तारी, हाँ इसको पकड़े जरा मैं देखूँ, इसको पकड़े जुहान को, हाय हाय लड्डू बद्दू ने बाल पकड़ ली, हाय 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 हाय, एक मिनट आउच आउच, एक मिनट आउच, चलो भाई छोड़ दो भाई लड्डू बद्दू, आउच मेरे बाल जुहान ने कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, जुहान ने अपने पुसे पहने में, ये आ गई अफ्तारी, जुहान जुहा दोनों प्यारे लग रहे हैं, जुहा कहाँ से आई बताओ तो सही बेटा, मोहित भाई के घर से आई, मोहित भाई के घर, चल फिर चलाओ मुझे दिखाओ, अच्छा कौशल आंटी ये गजाल आंटी घर से आई है, चले जी अफ्तार मेरा डाल देती हूँ, क्योंकि हम तो जा रहे हैं अफ्तार पार्टी पे, इसको हम दे देंगे किसी गरीब को अभी, ठीक है ताकि किसी का भला हो जाए। चल रहे हैं अब बहन क्या सामान रखवा दिया गाड़ी में, सब जाते हैं बहन के जाके अपने मुलाकात करते हैं, चले जी आ गए हैं बहन के घर पे, वो अब उतरते हैं देखते हैं हम थोड़ा सा लेट आ गया, हनी आपने दरवाजा थोड़ा गलत खोला है, थोड़ी गाड़ी आपने हनी गाड़ी थोड़ी सी आपने ऐसी लगाई है कि गेट नहीं खुल रहा पूरा, ये वाला हनी ने गाड़ी से लगाई तो आगे ना थोड़ा सा दरवाजा नहीं खुल रहा, बंद कर दिया, अब हनी आगे गाड़ी करेंगे तभी दरवाजा खुलेगा, बस बस खुल गया देखो खुल गया बस वो ना दीवार लग रही थी थोड़ी सी, चले जी हम आ गए हैं, और आते ही ये भांजी मेरी खड़ी हुई है नजर आई, नजर आ गई दुकान को उठाओ भाई, चले जी हम लेट आए, कौन कौन आया मशा, कौन कौन आया, अच्छा आ गई है और बस अब यहीं तक, बड़ी अम्मा आ रही है रास्ते में, बड़ी अम्मा आ रही है, चले और ये जहान भी आ गए, दुकान आ गए, चले सब ऊपर है, ऊपर जाना पड़ेगा, सब ऊपर है आ जाए, हमारा गिफ्ट कौन सा गिफ्ट, आपकी पार्टनर से मिल गया आपका गिफ्ट, चले निकले निकले चलो, ओए होए क्यों नहीं दिया, लौटे चले जी पहुंच गए अब सिस्टर के यहां, ठीक है अम्मी के पास बैठे हुए, अम्मी नाराज हुई थी क्योंकि मुझसे मेरी तबीयत पूछने नहीं आई थी, अम्मी अम्मी दो तीन दिन बड़ा बिजी थी अम्मी, अपने बाबू नवासे को देख लियो, बेटी को देख ही नहीं लियो, वो फुल नाराज चल रही है, फुल नाराज बिल्कुल बात नहीं, वो लिफ्ट ही नहीं करवा रही, चलो भाई कोई बात नहीं मना लेंगे बाद में, मेरे अफ्तार कर ले क्योंकि शराब बंद हो रही है, वैसे वाली लोग कहाँ हैं, वैसे वाली लोग आ रहे हैं क्योंकि अफ्तार की तैयारी हो रही है, आपको सामान लग रहा है, वो ऐसी होती है बहने, मैं सिर्फ बैठ गई हूँ आकर, बाकी सारा काम करा है उन्होंने, और ये आ गई हमारी, ये आ गई बहन की भी अपो 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 भाई नंद, और ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, डेकोरेशन की हम भाई डेकोरेशन की सही खजूर बिरयानी है, बिरयानी कोरमा कोरमा बिरयानी खाली बिरयानी, अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, सबसे
सब सब खोलेंगे साथ में इंशाल्लाह। आने जाने वाला ना फेरते बहन इसको नहीं बच्चे आ रहे अच्छी भी नहीं लग रही हो लेकिन झूठ तारीफ लाजमी करेंगी आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी दो मुझे भी। तुम तो खोलो बैठ अभी तक यहाँ पड़ी हुई है ठीक है। जिसको जो दोबारा भूख लगती है कि वो दोबारा शिफ्ट चलाता रहेगा ठीक है। अब आप केक कट गया, अब खाएंगे केक। अभी हम कर रहे थे उसके बाद कर रहे थे गप्पे शप्पे मार रहे थे थोड़ी सी सब नहीं मिला के। काफी दिन के बाद आई थी इससे मुलाकात, काफी दिन के बाद हुई थी तो इस वजह से। जफर भाई मेरी शक्ल देख रहे हैं, जफर भाई को मैं वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लूंगी अभी। हमें तो किसी ने भी एक चखा नहीं चखाया, चखाया मेरी बेटी को पड़े आना। लाओ वाला केक तो लाओ, मामू का केक लाओ। अभी अभी दो हिस्से मिलेंगे ना अम्मी, अम्मी मुझे दो हिस्से मिलेंगे, जुहान का भी मिलेगा ना, जुहान का भी मिलेगा। और सब आपके साथ दो दो ईदी करके दो दो ईदी ईदी दोनों मिलेंगे, दो दो ईदी जुहान की भी ईदी होगी इस बार। देगा आपके तो जुहान को भी देगा 500 रुपए। कहा भाग रहे जुहान को भी देगा 500 रुपए। अब केक में कट गया है, अब तो इसे गप्पे शप्पे मारेंगे फिर उसके बाद घर चलेंगे। केक खिलाना है बेटा। ए गंडा जो कपड़े पहले देना मम्मा को। नहीं यार खा लिया मैंने, ये पता है आई थी मुझे यहाँ लगाने के लिए, जो बच्चे करते हैं ना अक्सर यहाँ लगाते हैं इतनी, वो लगाने आई थी। मैं समझती हूँ सब बच्चों को, मैं समझती हूँ ये सब जो है ना मेरा फेस खराब करने के चक्कर में लगे हुए। चलिए आप केक खाते हैं उसके बाद कपड़े मारते हैं फिर जाएंगे सीधा घर।